हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर इस यूट्यूब चैनल पर। हम अच्छी क्लास करेंगे कड़ी भाषा साहित्य के सामान्य ज्ञान के, जो आपके सहायक यानी कि प्रयोगशाला परिचालक, चपरासी भर्ती, स्वीपर भृत्य के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो टॉपिक यही करेंगे कड़ी भाषा के विकास एवं इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप सभी को कहना चाहूँगा, अगर इस वीडियो में आपको जो कंटेंट है हमारा, जो हमारा कंटेंट है वीडियो का, अगर आपको पसंद आता है तो फीडबैक दीजिएगा, यानी कि कमेंट करके बताइएगा अगर डेली क्लास करना चाहते हैं, है ना। जैसे कि अभी प्रयोगशाला परिचालक के मानते हैं, प्रयोगशाला परिचालक का है ना, इसका आपका कितना है 430 पद। उसी प्रकार भृत्य का आपका 210 पद, प्रकार चपरासी का जो निकला है आपका 210 पद, और आपका है एक क्या कहें चपरासी हो गया, एक और टॉपिक है आपका चौकीदार, है ना। सभी मानकर टोटल 880 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। उसी प्रकार आपका कौशल वार्डन का 300 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसका आप लोग जल्दी से फॉर्म भर लीजिएगा, प्रयोगशाला परिचालक का। इसका सिलेबस मैं आपको बता दिया हूँ, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाके आप ज्वाइन। तो यह क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, मैं पहले ये नहीं कहूँगा कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी चैनल को, है ना। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम प्रयास करेंगे जितना कॉन्टेंट हो सके, हम प्रयास करेंगे इस वीडियो में बेहतर क्वेश्चन लाने का। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप खुद ही सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, कहने की बात तो नहीं है। और जितने भी क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य का, और इसी टॉपिक से आपको सबसे मेन पॉइंट है आपका क्या है पता है आपको, छत्तीसगढ़ का टॉपिक से आपका 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे प्रयोगशाला परिचालक में, और उसी बात भृत्य चौकीदार और स्वीपर का, उसी का आपका रहेगा टोटल 100 प्रश्न 100 नंबर का, ठीक है, 100 प्रश्न 100 नंबर का रहेगा। यानी कि आपका पूरा एकदम टॉपिक यानी कि छत्तीसगढ़ कवर है। अगर आप छत्तीसगढ़ अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। हमारे चैनल पर अगर डेली क्लास करना चाहते हैं, बिल्कुल वीडियो पर बने रहेगा। अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, करना अच्छा लगता है, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट में मेरा फीडबैक जरूर दीजिएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हम डेली क्लास लेकर आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन। यह टोटल आपका रहेगा टोटल 50 ऑब्जेक्ट, ठीक है, जबकि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और जितने भी आप सभी को उत्तर दिख रहा होगा, तो उत्तर दिखने से कोई मतलब नहीं बेटा, जब तक आप अपने दिमाग में नहीं पढ़ोगे तब, है ना। सर आप उत्तर दे रहे हैं, आइए तो उत्तर दिख रहा है, कैसे कमेंट करें। तो कमेंट करने का बात यह है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उत्तर को मत देखना आप, है ना। इसको तो मैं मिटा नहीं सकता, जो उत्तर दे दिया उसको कैसे मिटाऊंगा मैं, है ना। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। रामस्वयमेक के रचयिता कौन है, सीजीपीएससी आरटीओ 2017 में पूछा, तो इसका आंसर बी होगा, बाबू रेवाराम। इसके बाद है आपका कि बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सटीक तौर पर, है ना, बिल्कुल वीडियो पर कॉन्टेंट बने रहिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन, तो राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है आपके सीबीएसई 2017 में पूछा गया है, तो होगा पंडित मालिकराम त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके हर एक एग्जाम के लिए है, कौशल वार्डन, अपेक्स बैंक भर्ती, सीजी व्यापम, सीपीएससी और आपके प्रयोगशाला परिचालक के लिए। और सबसे रही बात यह है कि अगर आप प्रयोगशाला परिचालक का तैयारी कर रहे हैं, परिचालक का इसमें आपका 60 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपका रहेगा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, जिसमें आपकी टॉपिक रहेगा रसायन, भौतिक और विज्ञान, है ना। ये तीनों टॉपिक रहेगा, अच्छा से अगर आप कवर करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है 60 नंबर, है ना। तो दोनों अगर सामान्य विज्ञान पूछे जाए तो नौवीं और दसवीं का, कौन सा है, क्लास नौवीं का, क्लास नौवीं और दसवीं का है,
ठीक है, इसका सिलेबस आपने नहीं देखा है या फिर आप सभी ने वीडियो को हर एक वीडियो में या कोई ना कोई वीडियो में आप सभी देख लिया होगा, इसका वैकेंसी आ चुका है और इसके फॉर्म भरने की तिथि भी आ चुकी है ना। पूरी जानकारी अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में सिलेबस दिया है, जाके आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसका। निम्नलिखित से साहित्य का छत्तीसगढ़ी भाषा रामायण की रचना की, रामायण की रचना की सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाई के लेखक कौन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा। छत्तीसगढ़ी उपन्यास में चंदा अमृत बरसाई के लेखक है आपका, ये हो जाएगा लखनलाल गुप्त। एक बार फिर से ये याद कर लीजिएगा, कौन है, लखनलाल गुप्त जी। कमेंट जरूर कीजिएगा, सभी का आंसर अगर कमेंट करते चलोगे तो आपका, जैसे कि देखिए अगर आप इसका जैसे एग्जाम में आंसर देते हो, टिक लगाते हो, तो आपका ही आंसर होगा। तो हर एक एग्जाम का है ना, हर एक क्वेश्चन का आप लोग जरूर आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो लखनलाल गुप्ता कौन है, तो चलिए देखिए, इसके पुस्तक के लेखक है समझौती के बेरा, बेटी के मनसूबा और बरखोल, सरगले डोला आइस, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो एग्जाम में बार बार ये वाला टॉपिक पूछा जाता है, चंदा अमृत बरसाइज के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे लखनलाल। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के निम्न में कौन सा लेखक जो बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है, बाल साहित्यकार है ना, इसका आंसर होगा श्री नारायण लाल परमार। 2016 नारायण लाल परमार अपने बाल साहित्यकार की रचनाओं के कारण बाल साहित्य के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं आजादी के, किसान के बेटे, मतवार, अकल बड़ी भैंस, कांवर पर धूप, कच्छ के। चलिए नेक्स्ट है कालिदास यानी कि मेघदूत की रचना, मेघदूत का रूपांतरण किसने किया था, कालिदास की रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया था। डायरेक्ट अब नहीं बोलोगे सर मेघदूत की रचना किस, मैं नहीं कह रहा हूँ, रूपांतरण पूछ रहा हूँ। मुकुटाधर पांडे, ठीक है, श्यामा सर्प उपन्यास की रचना ठाकुर जगमोहन, बैगांव पर द ट्राइबल इकोनॉमिक पुस्तक की रचना की शंकर दया शंकर नाथ, काव्य में रचना जो है छत्तीसगढ़ी शब्द प्रयोग करने वाले कवि दलपत सब किस रचना संबंधित, तो इसका आंसर होगा खैरागढ़। देखिए कवि दलपत राव खैरागढ़ रियासत से संबंधित है, जो राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी एवं चरण कवि थे, जिन्होंने 1494 में इनके अपने साहित्यकार में प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, कौन है रचना प्रमुख भक्ति है लक्ष्मी निधि राय। ठीक है, चलिए आप बताइएगा निम्न में कौन से विद्वान छाया के प्रवर्तक माने हैं, छाया के प्रवर्तक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जी आपके सी जी पे अपनी पटवारी दो गया। पंडित मुकुटधर पांडे कृत कौन सी कविता छायावादी काव्य धारा प्रथम कविता माने जाते, कुर्री के प्रति थी। छायावाद के प्रवर्तक कौन से कवि हैं, कुटधर पांडे जी हैं, आपका आंसर हो जाएगा आपके सीजी बीओ और 2013। पूजा के फूल उसी प्रकार गोदना के फूल के रचनाकार कौन है, अभी एग्जाम में पूछा गया था 2023 में, गोदना के फूल, गोदना के फूल के रचनाकार कौन है, तो आप बताएंगे उर्मिला जी, उर्मिला गुप्ता। कौन है उर्मिला गुप्ता, आपके एग्जाम 2023 में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है 23 के एग्जाम में। ठीक है, आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्या, कमेंट कर वाला कैप्चर थोड़ा सा अब पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, अब पोर्शन हाँ। देखिए पूजा के फूल की कृति है
इसका आ जाएगा पांडे जी है, और गोधना के फूल के रचना छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के रचनाकार कौन है? दया शंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ के पृष्ठभूमि बनी द लास्ट माइग्रेशन से हाथी। छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है? लक्ष्मण मस्तुया जी हैं। और छत्तीसगढ़ी उपन्यास दीना के चोर के लेखक कौन है? दीना के चोर के लेखक हैं शिव शंकर शुक्ल। इसी 2016 में लिखा गया है, ठीक है? अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के। छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यास कौन है? शंकर शुक्ल जी। छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोगरा के रचनाकार कौन है? मोगरा के न शुक्ल, याद रखना शिव शुक्ला। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो अगर मेंबरशिप में, ठीक है, मेंबरशिप में आप जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है? अरेंज करने का कोशिश करेंगे, तो आप इस नंबर पर यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते, ठीक है? यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, देख लीजिए, 27 87, हमारा व्हाट्सएप है। मैं आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते। छत्तीसगढ़ी उपन्यास दीना गेंजोर के लेखक शुक्ल शंकर, है ना? उसके बाद छत्तीसगढ़ी उपन्यास दीना गेंजोर के लेखक कौन है? ये बार बार एग्जाम आ रहा है तो इसे आपके लिए दिया गया, पूरे एग्जाम में बार बार पूछा। तो अरपा पैरी के धार के रचयिता कवि कौन माने जाते? अरपा कवि धार के रचयिता नरेंद्र देव वर्मा जी। नरेंद्र देव वर्मा जी द्वारा अरपा पैरी के धार नामक गीत गई है। इनकी और रचनाएं हैं तो देख, सुबह की तलाश, सोना बिहान, अपूर्वा, खुला गुरु बनाई ले, खुला गुरु बनाई ले, खुला मारू। कोसलानंद काव्य रचयिता हैं, आंसर हो गंगाधर। और आप देखिए करम छंडा नामक के लेखक आ रहे कौन है? खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है? डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा लिखित नाटक लिख है, तो ये आपका आ जाएगा माटी के मोल, माटी के मोल के आंसर। तुलसी दर्शन के रचयिता कौन है? आंसर डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, ठीक है? अगर आप व्यापम जैसे परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं या पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या आगामी एग्जाम जैसे शिक्षक भर्ती विभाग में प्रयोगशाला परिचालक का, कौशल वारन, एडीओ, अमीन पटवारी, अपेक्स बैंक भर्ती, तो चल रही लाइव क्लास आपको पूरा मिल जाए, ठीक है? प्लेलिस्ट पे जाइए आपको मिल। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना है। डॉक्टर साकेत संत बुलंद कांदा किसका साहित्य का रचना आपका आ जाएगा? संजीव बख्शी जी। रतनपुर महामत्य पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा इनमें, इसका आंसर कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ में रतनपुर महामत्य नाम दो ग्रंथ का उल्लेख है। यहाँ पर देखिए लाला राम तिवारी, बैजनाथ प्रसाद स्वर्णकार, जो पहला शंकर दत्त मिश्र। सुदामा चरित के रचयिता कौन है? गोपाल चंद्र। कौन है? गोपाल चंद्र। कुंभ तमाशा के लेखक है गोपाल कवि, ठीक है? गोपाल कवि। कल हमारा वीडियो आने वाला है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है? हमारा वीडियो आपको क्या आएगा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे देखिए छत्तीसगढ़ का पूरा आपको कवर कराया जाएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा कवर कराया जाएगा। वीडियो आपको पसंद आता है, कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप चैनल के कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना, कि यह क्लास कैसा लगता है आपको, यह क्लास आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, है ना? टोटल हम 50 MCQ करेंगे,
इसका पार्ट वन वीडियो है आपका, ठीक है, पार्ट टू वीडियो कल करेंगे। पार्ट टू वीडियो जो आपका रहेगा कल रहेगा 50 MCQ, ठीक है। खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना गोपाल कवि ने रतनपुर छत्तीसगढ़ ही के गोपाल कवि द्वारा पुस्तक के लिए आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? प्यारेलाल गोपाल। प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक, वही वही बार बार पूछा तब बलदेव। छत्तीसगढ़ राज्य के बोली में रचित कविता सुरता की चंदन की रचनाकार कौन है? आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है सुरता के चंदन और गोदना के फूल, इसको अच्छे से याद रखना। गोदना के फूल है ना, तो कल एक इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा पार्ट टू वीडियो में, आपका बेहतर क्लास रहेगा, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिएगा और कंटिन्यू क्लास कर। आपका आएगा लखनलाल सजी और इसका आंसर हो जाएगा सुरता के चंदन गीतकार पूछा गया है, आपका हरि ठाकुर होगा। सुरता के सोन किरण है आपका लखनलाल पटवारी 2013 में पूछा। हिंदी कवि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी पंडित है राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ी में दान लीला एक काव्य गद्य कृति आ जाएगा छेदीलाल द्वारा, ये आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा आ जाएगा। नौकर के कमीज की रचना है विनोद कुमार है विनोद कुमार शुक्ला। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रामदयाल तिवारी जी। आप लोग देखिए कल एक और नोट्स आएगा, नोट्स में आपको मिलेगा जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह से आपके एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। और एक और टॉपिक नोट कर लीजिएगा स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्लास रहेगी, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन की क्लास लाएंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, बेहतर क्लास रहेगा, बिल्कुल डेली क्लास रहेगा है ना, पूरा वीडियो रिकॉर्डेड रहे। राज कवि कौन है? शासक का सामाचरी चंदा अमृत वर्षा, यहाँ पर पूछा क्या है? सुमेलित करना है, जो सुमेलित नहीं है पूछा। शिव शंकर कुमार का मोंगरा, लखनलाल गुप्त केयर भूषण फुटहा के करम, ये भी हाँ। कृष्ण कुमार शर्मा फूल के मर्जाद, ये भी है। और हृदय सिंह चौहान भोजी के गलत, फूल के मर्जाद के लेखक कौन थे? यहाँ पर पूछा गया केयर भूषण। छत्तीसगढ़ी के कौन से लेखक छंद शास्त्री हैं? आंसर हो जाएगा श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है? तो ठाकुर जगमोहन। यहाँ पर मिलान करने की सुमेलित नहीं है। गोपाल मिश्र यानी कि खूब तमाशा, ये तो आंसर सही। बाबू रेवा राम, ये भी ये गलत है। लक्ष्मण कवि भोसला, ये सही आंसर हो जाएगा। क्या आपको हो जाएगा माखनवान। चांद का मुंह टेढ़ा का लेखक कौन है? बबन प्रसाद मिश्र, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कौन है? गजधन माधव मुखोज। चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है? गजनन माधव मुक्ति, ठीक है। कौन है पर कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर इसका आंसर, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके। गणित की भी क्लास लाएंगे लेकिन उसका भी एग्जाम नहीं है, गणित जैसे हॉस्टल वाला में उसमें गणित का एग्जाम पूछता है ना, गणित से क्वेश्चन। लेकिन आपके अपेक्स बैंक भर्ती में भी गणित का पूछा गया है लेकिन उतना महत्व नहीं है। प्रयोगशाला परिचालक के लिए हम पूरा क्लास लेकर आएंगे, थ्योरी क्लास, ऑब्जेक्टिव, सभी क्लास है ना। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक कौन है? लाल काव्योपाध्याय। आज के लिए फिर इतना ही, ठीक है। कल करेंगे एक टॉपिक जो एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा है तो एक बार फीडबैक दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको चाहिए
तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और कौन से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ये भी आप कमेंट पर बताइए।